उनको ज़रा भी टच नहीं करना, अगर टच करेंगे तो क्या पता आपकी मौत वाकई हो। ये फ्रूट खाने के बाद आपकी ज़बान का टेस्ट जो सा है वो चेंज हो जाएगा। वो भी 100 ग्राम आपको 14 रिंगट का मिला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिक। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। हम लोग आए हैं ट्रॉपिकल स्पाइस गार्डन। ये पेनिंग आइलैंड का एक बहुत फेमस गार्डन है, जहाँ पे आपको बहुत मुख्तलिफ इकसाम के फूल, जड़ी बूटियाँ और बहुत डिफरेंट इकसाम की पौधे मिलेंगे यहाँ पे। तो हम अंदर जाते हैं, जो नेचर लवर हैं उन लोगों को बहुत पसंद आएगा ये व्लॉग। तो हम अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चले अंदर चलते हैं। तो अंदर जाने की टिकट जो थी वो 25 रिंगट की थी, और अंदर क्योंकि मच्छर बहुत ज्यादा होने थे, ये एक गार्डन है तो उसे बचने के लिए उन्होंने हमें स्प्रे भी दिया। You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. होपफुली ये हमें कुछ के ना, बहुत खतरनाक पत्थरें लग रही तो दोस्तों, इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है यहाँ आके और कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी, तो इसको लाजमी पढ़िएगा। तो दरख्तों में नहीं चढ़ना आप लोगों ने अगर आप इधर आएँ तो। सो दोस्तों, ये हर्बल टी कियोस्क है। यहाँ पे ओवन भी इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे देखें, प्यालियाँ श्यालियाँ भी पड़ी हुई हैं। आई डोंट नो अभी यूज़ होती हैं या नहीं, लेकिन किसी ज़माने में उनकी ट्रेडिशनल रही है कि यहाँ पे चाय के पत्ते लेके ताज़ा वाले, और ताज़ा चाय बना के यहाँ पे पीते थे। थोड़ी सी रिलैक्सेशन की जगह बनाई हुई थी, और ये फ्रेश ताज़ा पानी आ रहा है। चलें ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो सा जिस जगह पे आए हैं हम, ये पॉइजन गार्डन है। इस गार्डन को जहर वाला गार्डन कहते हैं। तो इनके पौधों को ज़रा भी टच नहीं करना, अगर टच करेंगे तो क्या पता आपकी मौत वाकई हो जाए। और ये लिखा भी हुआ है इधर। तो दोस्तों, टच ना कीजिएगा। ये तो वैसे हमारे पाकिस्तान में भी होते हैं ये वाले पौधे, घरों में अक्सर लोगों ने लगाए होते हैं। लिखा भी हुआ है अशरूफ फ्रॉम इंडिया, लेकिन ये पॉइजन तो नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे याद है इसको अगर हम तोड़ते होते थे पौधे को, इसके अंदर से वाइट कलर का वो निकलता था। यहाँ पे आपको चॉकलेट के पत्ते भी मिलेंगे जिनसे चॉकलेट बनती है, और यहाँ पे आपको काफी और मलेशियन स्पेशल चाय के पत्ते भी मिलेंगे। सो दोस्तों, आप लोगों को बहुत सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोगों को पता है कि काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च जो सी है वो एक ही पौधे से आते हैं। जो काली मिर्च है वो पहले ही तोड़ ली जाती है और प्रोसेस किया जाता है काली मिर्च बनाने के लिए। वाइट मिर्च को थोड़ा टाइम लगता है, उसको थोड़ी ज़्यादा देर वो ग्रो करने देते। तो ये जो लिखा हुआ है, ये जंगली अदरक के बारे में लिखा हुआ है।
हालिया हुतान, पता नहीं शायद मलेशिया में इस ज़बान को कहते हैं। ये जौन सा है ये काफ़ी मेडिकल डिसीजेज के बारे में, किसी को ब्रेस्ट कैंसर वगैरह हो एंड कर्विकल कैंसर, उसके बारे में मुझे नहीं पता वो कौन सा कर्विकल कैंसर है, उसके लिए यूज़ होता है ये। ये चीज़ काफ़ी दिलचस्प लग रही है, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हाइपो एक्सीडी की ये पता नहीं क्या इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको मेडिकल फ्रूट कहते हैं। इस ये फ्रूट खाने के बाद आपकी ज़बान का टेस्ट जो सा है वो चेंज हो जाएगा, लिखा हुआ है, और आपको हर चीज़ मीठी लगेगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रूट है, मिरेकल फ्रूट। तो ये जो सा पौधा है ये जोस वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। सो दोस्तों ये चैमिलोन प्लांट है, लिखा हुआ है कि इसकी स्मेल जो सी है वो फ़िश की तरह होती है, और ये ज़ख्मों पे इस्तेमाल होता है मरहम के तौर पे। ये देखें दालचीनी के पौधे भी इधर अवेलेबल हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, आई डोंट नो, कुछ लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, तो वो इधर आ सकते हैं। और अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते तो इतनी आई थिंक इसके पास और बेहतर जगह है जहाँ पे आप फ़न कर सकेंगे, तो आप उधर जा सकते हैं। तो देखिए इस पत्ते का नाम इन्होंने लिखा हुआ है लीफ ऑफ गॉड, इस जड़ी बूटी का नाम, और लिखा हुआ है कि ये कैंसर के इलाज में, लंग कैंसर जो है उसके इलाज में आपको हेल्प करता है। तो अगर अल्लाह ताला ने बीमारियां बनाई हुई हैं तो उस बीमारियों के इलाज का तरीका भी बनाया हुआ है। तो अगर आप लोग हर्बल इलाज करेंगे तकरीबन आपको हर बीमारी का इलाज भी मिल सकता है। तो दोस्तों ये वाली जड़ी बूटी जो है ये होली बाजिल है, और ये इंडिया में पाई जाती है, और इंडिया के बहुत से टेम्पल्स में ये वाली जड़ी बूटी होती है। थैंक यू, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, दैट्स नाइस। हम लोग इनकी गिफ्ट शॉप में जा रहे हैं, इनकी गिफ्ट शॉप में बहुत सी जड़ी बूटियाँ और बहुत से मसाले आप लोग ताज़ा और फ्रेश ले सकते हैं। तो चलें देखते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है वहाँ। दोस्तों हम लोग गिफ्ट शॉप में मौजूद हैं, यहाँ पे इनकी जो सी उगाई हुई इनकी अपनी स्पाइसेस हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। अब ये 100 ग्राम जो सी है वो 9 रिंगट और 60 सेंट की मिल रही है, ब्लैक पेपर। सूखा धनिया जो सा है वो भी 100 ग्राम आपको 14 रिंगट का मिल रहा है, 14.5 रिंगट का, पाकिस्तानी तकरीबन 600 रुपये का। तो दोस्तों हम लोगों ने सोचा अगर हम इधर आए हुए हैं तो क्यों ना हम वो मेडिकल फ्रूट के बारे में पूछें, और अगर वो हमें मिलता है तो हम वो ट्राई करते हैं, खा के देखते हैं कि कैसा लगता है। तो ये औरत बहुत अच्छी थी, हमें वो मेडिकल फ्रूट की पौधे के पास लेके गई, लेकिन मसला ये आया कि यहाँ के बंदर बहुत शरारती हैं, और उन्होंने सारी मेडिकल फ्रूट जो है वो बेरीज की तरह का होता है, तो यहाँ के बंदरों ने वो बेरीज ऑलरेडी खा चुकी थी और हमारे लिए एक बेरी भी नहीं छोड़ी। तो उस औरत ने हमें प्रॉमिस किया जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो हमारे लिए सेव रखेगी, और हम नेक्स्ट टाइम वो ट्राई कर सकेंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे कैसा है। दोस्तों हम लोगों ने ये स्पाइस गार्डन एक्सप्लोर कर रही है, हमें काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें थी जो हमें पता चली हैं। लास्ट में वो औरत हमें मिरेकल ट्री के पास लेके गई है, वो फ्रूट टेस्ट करवाने के लिए, काशी जो उनसे एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, उसको टेस्ट करना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कह रही है कि मंकीज जो उनसे हैं वो आके सारे फ्रूट खा जाते हैं, तो इसलिए हम लोग वो टेस्ट नहीं कर पाए। टिकट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एजुकेटिव व्लॉग पसंद करते हैं या एजुकेटिव टूर लेना चाहते हैं तो इधर लाजमी आए, आपको पसंद आएगा। काशी आपको कैसा लगा ये स्पाइस गार्डन? बहुत अच्छा लगा मुझे। लोगों को रेफर करोगे इधर आना चाहिए? हाँ जरूर आए, दूसरी जगह से तो बेहतर है, जहाँ हम दूसरी जगह गए हैं उनसे बेहतर। अच्छा, तो काशी कह रहा है कि ये काफ़ी अच्छा है, आप लोगों को इधर आना चाहिए। होपफुली आप लोगों ने ये व्लॉग पसंद किया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। ये जो स्पाइस गार्डन है, ट्रॉपिकल स्पाइस गार्डन है, ये
बातो फरंगी से बिल्कुल पास है, और बातो फरंगी का व्लॉग मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक मैं शेयर करूँगा, इसको इस पर क्लिक कीजिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।